के जाने ना पाए, अगर जान से मार दिया तो बॉस मालामाल कर देंगे। कम ऑन, जल्दी करो। मुझे उस तरफ से कुछ आवाज आ रही है, जाकर चेक करो। कोई नहीं है, सब क्लियर है। यहां पर भी कोई नहीं है। हाँ, तो तुमने मेरे आदमी जो को मार डाला। हाँ, वाह, गुड जॉब। मुझे पता तुम बदला लेना चाहते हो, तो क्यों ना हम कुछ डील कर लें। जूलिया और मैं पहाड़ी के ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम वहीं मिलेंगे। Thank you.
वो आ गया बॉस। जरा ये देखो तो, फाइनली तुम आ ही गए। तुम्हारे लिए एक तोहफा है। कुछ याद आया? ये वही बॉम्ब है जो पिछली बार तुमने देखा था। चलो फिर एक और गेम खेलते हैं। इस बार तुम हारोगे नहीं, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दुश्मन। अगर तुम जीत गए तो इसे वापस ले जा सकते हो, और अगर तुम हार गए तो तुम दोनों को यहीं पर मरना होगा। मेरे भाई को भी तो तुम ही ने मारा था ना? हिलना मत छोटी बच्ची, नहीं तो ये फट जाएगा। बूम! तो चलो गेम शुरू करते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 4 मिनट है। अभी भी तुम्हारे पास 3 मिनट है। गेम इज ओवर। नहीं, चुप रहो। जरा देखो इसे, इसकी हालत। जूलिया, इंतजार खत्म हो गया। इसने मेरे बहुत आदमी मारे हैं, इसे इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा। गाइस, होशियार रहना। रोजर दैट, हम उस लोकेशन पर 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। अंदाज, पूरे क्राइम का मुखिया, फॉरेन क्रिमिनल। इसका नाम बहुत सारे क्राइम से जुड़ा हुआ है, जैसे किडनैपिंग, टेररिस्ट अटैक। बॉस, हमें पैसे मिल गए हैं। बहुत अच्छे बेबी। जूली, अंदाज की असिस्टेंट। हमारे देश के जितने भी क्राइम के पैसे बाहर देश में जाते हैं, वो इसी के नाम से जाते हैं। चेस। अच्छी खबर है साथियों, हम अमीर बनने वाले हैं। ये! 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 माइकल, अंदाज का छोटा भाई, फाइटिंग में माहिर है। बहुत से देशों की मिलिट्री को इंगेज रखने के लिए इसे बुलाया गया था। जॉय,
एशियन इंटरनेशनल आर्मी जो कि अफगानिस्तान के लिए काम करता है। ये बहुत ही खतरनाक है। मत मारो, मत मारो, हमें मत मारो, मत मारो हमें, हमें छोड़ दो प्लीज। नहीं नहीं मत मारो, मत मारो, नहीं रुको। फैरिक दुनिया की सारी ड्रग्स स्टीलिंग, किडनैपिंग और रेपिंग में शामिल है। टीम बी उस जगह पर पहुंच गई है। रोजादैट टीम ए को मैं लीड कर रहा हूं। हम फॉरेन टेररिस्ट का सामना कर रहे हैं। उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार होंगे और वो अच्छे फाइटर भी होंगे, इसलिए सब अलर्ट रहें, कोई भी गलती ना हो। रोजर दैट। हे, हमें पैसे मिल गए, तो इन लड़कों को रख के क्या करना है? क्योंकि अभी भी हमारी पार्टी शुरू नहीं हुई है। चलो एक गेम खेले। मैं पोजीशन में हूं। रोजादैट हॉस्टेस को वहां बांध के रखा गया है। सेंट्री को मारो और टीम बी को अंदर जाने को बोलो। लड़कों ने हमारा प्लान खराब कर दिया। प्लान चेंज, अगेन प्लान चेंज है। रोजर दैट, हम मदद के लिए आ रहे हैं। कैप्टन, बहुत सारे टेररिस्ट आपकी तरफ आ रहे हैं। ये लोग लड़ सकते हैं। हमारे बहुत आदमी मारे गए हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। इस तरफ ग्रेनेड। बचो। कमोर। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ कैप्टन। मैंने पहुंचने की कोशिश की पर पहुंच नहीं पाया। जाओ हो, इसे संभालो। हाँ। कैप्टन, हमारे पास दो मिनट है, चलो। कैप्टन, लगता है घर में लोग हैं, हम वहां पहुंच नहीं सकते। सिखो, सेकंड फ्लोर संभालो। रोजर दैट। बचाओ, ट्रैफिक ऑन पर्सनल कंडीशन रिपोर्ट क्लियर है। सब क्लियर है, अंदाज अंदर नहीं है। या मेरे बचाओ, हमें अंदर नहीं जाते, हमें आकर बचाओ, बचाओ, हमारी मदद करो। सब क्लियर है कैप्टन, हमारे पास 30 सेकंड है। बॉम्ब निकालो, बी अलर्ट। जो तुम्हारी बारी। जो
जल्दी करो, जल्दी चलो, हमें जल्दी बचा करो, जल्दी करो, बचा लो। स्नाइपर पीछे हटो। Cheers. Cheers. Michael, सब जोकर को खत्म कर दो। क्या क्या चल रहा है वहां नीचे? मुझे वो सब मरे हुए चाहिए अभी। सबको मार दो, जाओ। फायर करो वहां। हमारी लोकेशन का पता चल चुका है उन्हें। नहीं, मैं तुम सबको मार डालूंगा। कैप्टन, एसीआर यूएस का मेडिकल आदमी एक स्कैंडल में पकड़ा गया था। इंडियन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन कंपनी के सीईओ ने बताया कि उनको किडनैपिंग की धमकियां आ रही हैं। इसके बारे में एसीआर ने कुछ नहीं बोला। इस बीच एसीआर ने जारी किया कि ये एक चीनी कंपनी से मेडिकल नैनो रिपोर्ट के पैकेट खरीदेंगे। ऐसी बात है कि पेटेंट रखने वाली कंपनी चाइना मिंगटेंग टेक्नोलॉजी है। मिनगायो के बॉडीगार्ड के तौर पे तुम्हें साइन कर लिया गया है आज रात ठीक 12 बजे से। गेम खेलना बंद करो और मेरे साथ पानी में चलो, जल्दी जाओ जाओ, मस्ती करो, बस उसकी हड्डियां मत तोड़ देना। Hey, baby. Hi. देखो, ये चाइना मिंगटेंग टेक चेयरमैन की बेटी है। हर साल वो थाईलैंड जाती रहती है और यही लड़का उसे हर वक्त लेने जाता है, हर बार। इस बंदे को ढूंढो और प्लान को फॉलो करो। मजा आया ना? मैं भी
तुम और पी सकते हो यार, पियो। 3 sixes. एक और 4 sixes. मेरे 5 sixes. 6 sixes. खेलते रहो। क्या देख रहा है बे? अपने काम से काम रख। वाओ, मजा आ गया। क्या बात है? ये लो, ये एंजॉय। अरे कौन है बे? अरे क्या कर रही हो भाई? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? मार डालो इसे, जिसने मुझे मारा। जल्दी निकलो। अरे क्या कर रही हो? भाई ये लड़की उनके साथ भाग रही थी। चल, दिखने में तो हॉट लगती हो, तो बताओ तुम्हें किस चाहिए या फिर मार चाहिए? तेरी तो। भाई आप ठीक तो हो? आराम से। तेरी तो। भाई को मारा। भाई मैंने छोड़ दिया। नमस्ते, मैं जा रहा हूँ। तुझे तो बाद में देख लूंगा। थैंक यू। वेलकम। अब से मैं आपका नया बॉडीगार्ड हूँ। तो जब वो मार रहे थे तब क्यों नहीं बचाया? क्योंकि मेरी ड्यूटी का टाइम 12 बजे से था। देखो इसे, क्या हुलिया बना रखा है। ये ड्रेस कॉलेज के स्टूडेंट की तरह लग रही है, बताओ। मैं कभी कॉलेज स्टूडेंट नहीं बन सकती। स्कॉलरशिप की बात नहीं होती तो आप मुझे कॉलेज जाने के लिए कहते हैं। बस करो। तुमने पुलिस स्टेशन भी नहीं छोड़ा मुझे नीचा दिखाने के लिए। आप बोल रहे हैं मैंने आपको नीचा दिखाया? आपको नहीं लगता ये आपकी गलती है जो आपने मुझे नहीं सिखाया? मैंने क्रेडिट कार्ड डीएक्टिवेट किया फिर भी तुम मुझे नीचा दिखाती रहती हो। आप मेरे पापा है या फिर कोई एटीएम कार्ड है? क्रेडिट कार्ड को छोड़कर और क्या दिया है आपने मुझे? आपको लगता है इसे ही प्यार कहते हैं? अब तो मेरे लिए बॉडीगार्ड भी रख दिया आपने। मुझे ये सब नहीं चाहिए पापा। जब मैं छोटी थी तब मुझे कुत्ते ने काटा था, गुंडों ने मुझे घेरा था। जब मैं स्कूल में थी, जब मुझे छेड़ा करते थे, तब भी मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। मैं खुद से बड़ी हुई हूँ। आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैंने सब खुद किया है। काम पे जाइए, मीटिंग अटेंड कीजिए, कीजिए आप अपना रिसर्च। आपने अगर एक दिन काम नहीं किया तो पूरी धरती पे भूकंप आ जाएगा। हेलो, देख लूंगा। ओके, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, आप चिंता मत करिए। हाथ चले जाओ, सुपरमैन हो ना, धरती को बचा लो। ड्रिंक करके गाड़ी मत चलाइए। क्यों नहीं जाते? मेरे जाने से गुस्सा कम हो जाएगा। गाड़ी मैं चलाता हूं। कहां जाना है आपको? घर पर जा रही थी। थोड़ा पीछे होइए। सब के सब सेल्फिश लोग हैं। मैं ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहती।
कॉन्ट्रैक्ट का 22वां आर्टिकल है। अगर आपको देश के बाहर जाना है तो आपको अपने पिताजी की परमिशन लेनी होगी, नहीं तो बॉडीगार्ड को पूरा अधिकार है कि मैं आपको देश से बाहर जाने के लिए रोक सकता हूँ। मतलब आप मेरे आदेश के बगैर कहीं भी नहीं जा सकती। इतना सब क्यों सुना रहे हो? आ जाओ यहाँ मेरे साथ बैठो और ड्रिंक करो, या फिर मेरे से दूर रहो। एक खंबे की तरह मेरे पीछे खड़े हो गए हो। काम के पैसे तो मिलते हैं ना तुम्हें? वो देखो, वो तुम्हें देख रहे हैं। शर्म नहीं आती क्या? पापा से आपकी सैलरी दिला दूंगी। चलो जाओ यहाँ से जाओ। हे रुको रुको, मैंग्याओ तुम कहाँ चली गई थी? पता है हमने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? बैठो, एक बियर देना, चिल्ड। बैठो 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 ना, चलो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। सच में? हाँ सच में। तुम्हें पता है जब मैंने देखा कि हालत ठीक नहीं है तो मैं जल्दी से मदद मांगने के लिए गया। हाँ, और हमें ढेर सारी मदद भी मिल गई। वो भी अच्छे लोग थे, हम उन्हें ऐसे खाली हाथ तो नहीं छोड़ सकते ना? सही कहा ना, हमें उन्हें कुछ पैसे देने चाहिए। ये काफी होगा। ये तो सच है। गाइस, मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ। रुको, हमारे पास पैसे हैं। थोड़े से पैसे ही तो हैं, ये लो। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। चलो सब मिल के पीते हैं। चलो 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 चलो। मैंग्याओ, थैंक यू सो मच। हे मैंग्याओ, वो आदमी कौन है जो वहाँ पर खड़ा है? मेरा बॉडीगार्ड है। अमीर लड़कियों का स्टैंडर्ड है ये, बॉडीगार्ड। क्या दिखता है ये? क्या लगता है इसके सिक्स पैक्स एब्स होंगे क्या? मेरा तो दिल आ गया इस पे। क्या वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है? तुम सिर्फ हैंडसम ही नहीं, तुम तेज भागते भी हो। खत्म करो, ये सजा है। हाँ हाँ हाँ, पियो। मैंग्याओ को दिखाओ, दिखाओ उसे। चलो पियो। ये तो बहुत ज्यादा है, तुम ट्राई करो। ठीक है, अब साथ में बियर पीते हैं। कमान जो भी इसे नहीं करेगा वो पागल होगा। चीयर्स। 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 चलो चलो। सही। चीयर्स। चीयर्स। अंकल जरा जल्दी आइए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, मेरे आने का इंतजार करो। ये रेड टाई आप पर बहुत सूट करती है, हैंडसम। मेरी चॉइस अच्छी है। आपकी नीली टाई अच्छी नहीं है, मैंने उसे फेंक दिया। चलो एक सेल्फी लेते हैं। हार्ड वर्क के लिए थैंक यू अंकल। हाँ,
बाय बाय अंकल। ए, उठो जल्दी से, ये मॉल अब बंद होने वाला है। अरे उठो जल्दी करो, मुझे घर जाके मेरे नाती के लिए खाना भी बनाना है। अरे बाप रे, ये तो काम कर गया। अरे रे, क्या तुम यहाँ पर पहली बार आए हो? ओ, ये कितना अच्छा है। ये कितना अच्छा है। अरे तुम क्या देख रही हो? चलो सेल्फी लेते हैं। हाँ भाई। हाँ ये देखो। ये देखो। क्या बात है, क्या डांस हो रहा है ना? देखो। अरे बहुत लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है ना। आगे चलो। हाँ भाई, ये कितने का दिया? ये लड़की पागल हो गई है क्या? अच्छा कमान कमान बढ़िया। ये कितने का है? अच्छा देखो, कितना अच्छा है ना। ये पिंक वाला दिखाओ। ये कितने का है? सेल्फी तो बनता है। थैंक यू। हे हेनरी, इधर आओ, देखो ये अच्छा लग रहा है ना। चलती हो ध्यान से। बहुत मजा आया। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय। बासोन, बॉस मिंग्याओ वापस होटल आ गई है। अच्छा है, अच्छा है, उसका ख्याल रखो और मेरे पास लेकर आओ। हेलो।
हेलो हेलो मैम, आप यहाँ 5 बार आ चुकी हैं। हम आपको अपनी तरफ से फ्री मसाज देना चाहते हैं। क्या मैं उन्हें आपके पास भेज दूँ? ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो, नमस्ते। ओके, प्लीज कम। कोई है? अपने डैड से बात करो। दूर हट चुड़ैल कहीं की। लियो ज़िमिंग, तुम्हें अगर तुम्हारी बेटी जिंदा चाहिए तो तुम्हें मेडिकल नैनो रोबोट की इंफॉर्मेशन रेडी रखनी होगी। तुम्हारे डैड सच में बहुत बड़े पागल हैं। वो पेटेंट दान करना चाहते हैं। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। गुड जॉब, हम तुम्हारा कमीशन जल्दी ही भेज देंगे। हे
उसे बताना पैटेंट के साथ साथ 10 मिलियन US डॉलर्स भी अपने पास तैयार रखना और हम मालामाल हो जाएंगे। आओ। Cheers. Cheers. क्या तुम पीना चाहोगी? जान गया तुम्हें, तुम वही चाइनीज सोल्जर हो ना? I like it, yeah! अब देखना, मैं कपड़े उतारते ही तुम्हारी कैसे वाट लगाता हूँ। तुमने माइकल को मारा था ना? Yeah! आ जाओ, party time! जोर से मारने की नहीं रखी थी। मैं मार दूंगा। बॉस देखिए, ये वही है जिसने आपके ब्रदर को मारा था। ढूंढो इसे और देश से बाहर मत जाने देना। खा लो।
क्या समझते हो खुद को? बॉडीगार्ड हो तुम, और थोड़ी देर हो जाती तो सब खत्म हो जाता। कैसे बॉडीगार्ड हो तुम जिसे पता नहीं कि नूडल्स में अंडे डाले जाते हैं? और तुम इतना तीखा खाना क्यों लाए हो? दो कटोरी नूडल्स के लिए मोटरसाइकिल दे दी, कितना नुकसान हो गया। मेरा वॉलेट खो गया है, अपने पापा को कॉल करो, मुझे बात करनी है उनसे। मुझे उनका नंबर याद नहीं। तो माँ को करो। मेरी माँ नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं, पैसे नहीं है तो हमें ऐसे ही होटल तक जाना होगा। मुझे ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे एक बात पूछूं, मैंने हमेशा देखा है आप टूटी हुई घड़ी पहनते हैं जो सिर्फ 14 मई की डेट दिखाती है, आप हमेशा उसे क्यों पहनते हैं? वो घड़ी मेरे लिए बहुत खास है, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। हमारी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। वो मेरा बर्थडे गिफ्ट है मेरे भाई की तरफ से। मुझे बहुत पसंद है। वाह, बहुत अच्छा है, थैंक यू। फिर क्या हुआ? 3 साल पहले 14 मई को हम लोग क्रिमिनल्स को मारने के लिए बॉर्डर के एक मिशन पे गए थे। वॉइस कैप्टन, बॉम्ब डिस्चार्जर, स्नाइपर्स, टीम लीडर, सब ऑन ड्यूटी मारे गए। Oh yeah! अरे, मैं भी। मेरे परिवार की तरह थे। अच्छे से पेश आना, कुछ गड़बड़ मत करना। मैं यही हूँ, दरवाजा खोल दो। इस बंदे को बॉस से मिलना है। अरे मैं कह रहा हूँ लगाने के लिए। बहुत दिनों बाद मिले। इन दोनों चाइनीज को ढूंढ निकालो। जब मिलेंगे मुझे बता देना, अगर आपने उनको मुझे सौंप दिया तो मैं आपको डबल पैसे दूंगी। ओके। कुछ फॉरेनर्स ने पैसे दिए हैं उन दोनों चाइनीज को ढूंढने के लिए, उन्हें जिंदा ढूंढना है या मुर्दा? अरे जिंदा, अगर हमने इन्हें ढूंढा तो हमें डबल पैसे मिलेंगे। हाँ? ये तो वही लड़की है जिसे बैसोन ने रिसीव किया था। भाई मुझे पता चल गया कि वो लड़की किस होटल में रुकी थी, वो यहां नहीं है, वो यहां से चली गई। क्या मेरी बात पुलिस से हो रही है? मैंने बर्मन होटल के रूम नंबर 4125 के ड्रग डील के बारे में रिपोर्ट की थी।
हेलो, मेरा रूम नंबर है 23। क्या कर रहे हो? कुछ गड़बड़ है, चलो। हेलो हेलो, किससे बात करनी है आपको? शायद वो लोग भागे हैं। क्या बात है? इस सबूत को संभाल के रखो, बाद में जरूरत पड़ेगी। यहां पे रुकना सेफ नहीं है। इतने सारे पुलिस वाले हैं फिर भी? वो तुम्हारे लिए आए हैं। हाँ? क्या हो रहा है यहाँ? चलिए चलिए, इस तरफ इस तरफ। ये देखिए, ये बहुत ही पुरानी कारीगरी है। हाँ, इस तरफ आइए, मेरे पीछे, मेरे साथ ही रहिएगा। अरे, ये चीजें क्यों चुराई? चुप रहो, बस मेरे साथ चलो। बात क्या है? उधर मत देखना। हाँ? कम से कम कपड़े तो बदल लेने देते, फोन भी नहीं लाई। तुम्हारा फोन टूट चुका है। क्या? हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें जल्दी ही घर जाना होगा। यहाँ तुम्हारा कोई फ्रेंड है? हाँ, पर मुझे उसका नंबर याद नहीं है। तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? हाँ, वो आ गए। ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? ए चलट! वाओ, ये क्या हो रहा है? इतने सारे लोग मुझे किडनैप करना चाहते हैं क्या? दांत क्या दिखा रहा है? जा मार उसे। चलो। ए, मुझे वो धंधा चाहिए। रुको रुको, एक मिनट, तुम्हारा बॉस यहाँ पर है। ओ, वाओ, क्या कमाल की फाइट थी! भागो! चलो 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 यहाँ से। तो तुम मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हो ना? मेरे पास पैसे हैं, ये लो। और भी है, ये ले लो। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। तुम्हारा तो खून बह रहा है। कोई बात नहीं, मुझे लगा नहीं था तुम्हें चोट पहुंचेगी। हाथ ऊपर। बस करो, बहुत हो गया। चुप करो। हाँ।
तुम्हारे शरीर पर इतने सारे चोट के निशान कहाँ से आए? मिशन की वजह से, आदत है मेरी। क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मिशन हूँ? तुम्हें पता है पूरी जिंदगी में कोई मेरे साथ इतना अच्छा नहीं रहा। तुम्हें अनजान लोगों से दूरी बनाता देख मुझे लगा कि तुम मेरे जैसे ही हो, अकेले जिसका कोई अपना नहीं। हेमरेज की वजह से मेरी मॉम चली गई जब उन्होंने मुझे जन्म दिया। मुझे उनके बारे में जानने का मौका ही नहीं मिला। दरवाजे पे सब मेरे डैडी का इंतजार करते थे, मैं भी करती थी। ख्याल रखना इसका। छोड़िए मेरा हाथ। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पापा तो कभी आ ही नहीं सकते, उनके लिए बस काम जरूरी है। दूसरों के पापा अपने बच्चों को रेस्टोरेंट ले जाते हैं, प्लेग्राउंड ले जाते हैं और घुमाने ले जाते हैं, और मेरे पापा सिर्फ दो काम ही कर सकते हैं, मुझे डांटना और मेरा क्रेडिट कार्ड पे करना। उनके दिए हुए पैसों से मैं ट्रीट देती थी, बिल्स पे करती थी। मैं चाहती थी कि वो हमेशा मेरे दोस्त बने रहे। वो मेरे साथ घूमते थे बस इसलिए कि मैं लियू ज़िमिंग की बेटी हूँ, और ठीक इसी वजह से मेरी किडनैपिंग भी हुई। ऐसा कोई जो मेरी केयर करे उसे पाना कितना मुश्किल है ना। ऐसा कोई जो मुझे अपना कोट दे जब मुझे ठंड लगे, मेरे लिए खाना मंगाए जब मुझे भूख लगे, जब मैं नखरे करूं तो मुझे संभाल ले। क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूँ? ठीक है शांत हो जाओ। भूख लगी है? हाँ। मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। क्या है ये? मुझे भूख लग रही है और मुझे ठंड भी लग रही है। एसी की वजह से, मैं उसे बंद कर देता हूँ। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कितना परेशान कर रहे हो मुझे। प्राइवेट गाइड चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2000 में। 2000 में? सुनिए मैडम, मैंगो प्राइवेट गाइड चाहिए। तुम्हारे गाइड दोस्त को सिर्फ और सिर्फ 2000 में। शायद वो हमारी निकलने में मदद। 2000 में? सुनिए मैडम, मुझे पता है। आइए प्राइवेट गाइड चाहिए तो आइए, पूरा शहर घुमाएंगे, पूरा शहर, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया। आइए किसी को घूमना है तो। सर कितने दिन के लिए घूमने आए हैं ये बताओ? तुम बैसून को जानते हो? सबसे कम कीमत में थाईलैंड घूमना है तो मेरे पास आइए। आइए आइए जानते हो? हाँ जानता हूँ। कौन सा चाहिए, ड्राइवर बैसून, लेडी बैसून या बॉक्सर बैसून? टूर गाइड बैसून। एक मिनट, अभी बुलाया। बाय बाय। ओके, मैं समझ गई। बॉस, हमने उसे ढूंढ लिया। हुआ।
हो जाएंगी। जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। मैं कल ही बड़ी होना चाहती हूँ। बैसो। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं। बोट बस आधी ही होगी, आइंदा यहां कभी मत आना। ये तुम क्या कर रही हो? इनसे अपनी बीवी का इलाज करवा लेना। थैंक यू। मैं क्या हूं? पागल जैसी बातें मत करो, मिलते हैं। चलो आराम से। पापा मुझे बचाओ, पापा! मारी बेटी कितनी प्यारी है। नंदे उसे कुछ मत करना। नंदे नंदे मुझे माफ करना। मैं क्या, मैंने तुमसे झूठ कहा। बताने की जरूरत नहीं, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी बीवी की तबीयत ठीक नहीं। सुनो तुम हेल्प कर सकते हो? अगर सारे हक मुझे मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो मेरा पुराना दुश्मन। बाहर निकलो। वो दिन मैं आज तक नहीं भूला। आज मैं सबका बदला लूंगा। खंदास। सब ठीक हो जाएगा, वो उसे वापस ले आएंगे, चिंता मत करो। थैंक यू। वेल डन बासुन। जाने ना पाए, अगर जान से मार दिया तो बॉस माला माल कर देंगे। कम ऑन जल्दी करो। मुझे उस तरफ से कुछ आवाज आ रही है, जाकर चेक करो। कोई नहीं है, सब क्लियर है। यहां पर भी कोई नहीं है।
नहीं छोड़ूंगा। तो तुमने मेरे आदमी जो को मार डाला। हाँ वाह, गुड जॉब। मुझे पता तुम बदला लेना चाहते हो, तो क्यों ना हम कुछ डील कर लें। जूलिया और मैं पहाड़ी के ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम वहीं मिलेंगे। वो आ गया बॉस। जरा ये देखो तो, फाइनली तुम आ ही गए। तुम्हारे लिए एक तोहफा है। कुछ याद आया? ये वही बॉम्ब है जो पिछली बार तुमने देखा था। चलो फिर एक और गेम खेलते हैं। इस बार तुम हारोगे नहीं, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दुश्मन। अगर तुम जीत गए तो इसे वापस ले जा सकते हो, और अगर तुम हार गए तो तुम दोनों को यहीं पर मरना होगा। मेरे भाई को भी तो तुम ही ने मारा था ना? हेलना मत छोटी बच्ची, नहीं तो ये फट जाएगा। बूम। तो चलो गेम शुरू करते हैं। Ah!
तुम्हारे पास सिर्फ 4 मिनट हैं। अभी भी तुम्हारे पास 3 मिनट है। गेम इज ओवर। नहीं, चुप रहो। जरा देखो इसे, इसकी हालत। जूलिया, इंतजार खत्म हो गया। इसने मेरे बहुत आदमी मारे हैं, इसे इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा। उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ, आंखें खोलो, उठ जाओ ना, प्लीज उठाओ, बचाओ मुझे, मैंने नहीं चाहा, नहीं बचाओ मुझे। मुझे लगा हम एक जैसे हैं, बिल्कुल अकेले, जिसका कोई अपना नहीं। जो मेरी केयर करता है मैं उसे नहीं खोना चाहती। उठ जाओ प्लीज। उठो। मेरे लिए। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तुम हार मानना नहीं जानते ना। गेम ऑन। चल आजा। गेम ओवर। मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब बहुत देर हो चुकी है, प्लीज जाओ यहाँ से। आर्टिकल 26 के मुताबिक अगर कोई खतरे में हो तो हम उसे छोड़ नहीं सकते, ये हमारे कानून के खिलाफ है। मुझ पे भरोसा है ना? हाँ, हाँ, खरीदो, लाल या नीला। लाल। 3, 2। ब्लू वाला। तुम्हें कैसे पता था? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुमने एक ब्लू टाई लगाई थी, कितना बुरा था। मुझे तो लाल याद आ रहा था। अगर मैंने उस दिन वो टाई नहीं पहनी होती तो आज हम जिंदा नहीं होते। तो मुझे लगा कि हम एक जैसे हैं।
दरवाजा पहले मुझे खोलो तो। थोड़ा आराम करने दो। बासुन का परिवार कहाँ है? वो जहां भी है बिल्कुल सेफ है, चिंता मत करो। क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। नहीं प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे तुम्हें जानने का एक मौका तो दो। मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता। ये बहुत लंबी कहानी है। एक बार अनाथ आश्रम के बाहर एक बच्चा मिला था, जब तक उसे रेस्क्यू करते वो ठंडा पड़ चुका था, लेकिन वहां के डायरेक्टर ने उसे बचा लिया। आ जाओ सर, आ जाओ। उसका नाम लिंग फेंग रखा। लिंग फेंग का मतलब भविष्य का अच्छा होना होता है। प्लीज उठो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। लिंगफिंग, थैंक यू। अगर तुम नहीं होते तो मेरी बेटी कभी भी उन लोगों से बच नहीं पाती। ये मेरा काम था सर, मैंने सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से किया। ठीक है, फिर भी बाप होने के नाते तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता ये बोलना सही होगा या नहीं, अगर आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं तो उसे जब भी आपकी जरूरत हो उसके साथ रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि जब वो बोले तब आप उसका साथ दें। हम लोग घर आ गए हैं, चाइना में ट्रीटमेंट अच्छा रहा, मेडिकल नैनो रोबोट बहुत अच्छा है, मेरी बीबी अब ठीक हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है, ये हाई टेक है, मेरे डैड ने इन्वेंट किया। मैं क्या हूँ, थैंक्स कि तुमने माफ किया, वरना मैं तो। वो सब भूल जाओ, सब खत्म हो चुका है। वैसे अगर मैं नेक्स्ट टाइम थाईलैंड आऊंगी तो मुझे ट्रीट दोगे ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ नंदे, दीदी को हाय बोलो। हाय दीदी, आई लव यू। आई लव यू टू। बाय बाय। हेलो मैडम। यहाँ बारबेक्यू कहाँ अच्छा मिलेगा बता सकती हो? पापा, यस यस यस। बैठ जाओ। अच्छा बताओ मैं कैसा दिख रहा हूँ? बिल्कुल सपनों के राजकुमार की तरह। तब तो सबके सपनों में आऊंगा मैं। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए 6 महीने हो गए, अभी तुम कैसी हो? सुना है कि तुम्हारे पापा ने अपना काम छोड़ दिया है।
नॉन मेडिकल टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्ट करने के बाद शायद उन्हें यह रियलाइज हो गया है कि वही अपनी बेटी के बॉडीगार्ड हैं। वैसे अब मैं ये सब नहीं पीता। हेलो, क्या आप लिंगफेंग हैं? हाँ। ये आपका कुरियर आया है। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। हाय, जब से तुम थाईलैंड से वापस आए हो तुमने मुझसे कांटेक्ट तक नहीं किया। मुझे पापा ने सब बताया है। मैं तुम्हें एज अ बॉडीगार्ड आज से हायर करने वाली हूँ, दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन। मैंने इस पे तुम्हारे लिए साइन किया है, चलो अब काम पर लग जाओ। Hey, लोगों को परेशान मत करो। I love you.